दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नया लैपटॉप एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी का ओमेन लैपटॉप। देखिए, मैंने बहुत लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करी, काफी लैपटॉप देखे हैं, काफी प्राइस स्पेंड देखे हैं, लेकिन एचपी ने एनवीडिया 3070 Ti ग्राफिक्स के साथ, 8GB ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप लॉन्च किया है और जो प्राइस बैंड रखा है वो बहुत अमेजिंग है। मेरे को RTX 3070 Ti में इससे सस्ता लैपटॉप आज तक नहीं दिखा। HP ने लॉन्च किया है अपनी ओमेन सीरीज में। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं मॉडल नंबर। जी हां, ये देखिए, HP ने 16N0345X को लॉन्च किया है Ryzen 7 में और RTX 3070 Ti 8GB ग्राफिक्स के साथ। दोस्तों, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि 3070 Ti ग्राफिक्स 1.5 लाख से ऊपर रहता था और इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। ये सस्पेंस हम बाद में खोलेंगे जब लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, उसका बैक पैनल भी ओपन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताऊंगा कि क्या प्राइसिंग रखी है HP ने इसकी। बहुत ही एक्साइटिंग प्राइसिस के अंदर HP ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। नए लैपटॉप की हम आपके लिए अनबॉक्सिंग करते रहेंगे और हर लैपटॉप का हम कोशिश करते हैं बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको प्रीमियम पावर कोड दिखाई देती है। इसकी पावर कोड डिफरेंट है, जो मोस्टली डेस्कटॉप में लगती है वो है, जो लैपटॉप की जो नॉर्मली 15S या पवेलियन सीरीज आती है उनके लैपटॉप वाली पावर कोड नहीं है। काफी हैवी पावर कोड होती है हमेशा जितने भी गेमिंग लैपटॉप आते हैं। अडेप्टर अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो ईट दे दी लैपटॉप के साथ। ये 280 वाट का अडेप्टर है, 280 वाट का पावर अडेप्टर HP ने इसके साथ दिया है, एक यूजर मैनुअल। अब बात करते हैं लैपटॉप की। देखिए, लैपटॉप में वेट तो है, आप ये कहेंगे कि वेट नहीं है, 16 इंची का लैपटॉप है और ग्राफिक्स हैवी है और बिल्ड क्वालिटी, मेटल बॉडी के अंदर HP अपनी ओमेन सीरीज देता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी HP ने अपने ओमेन लैपटॉप्स के अंदर दे रखी है। बैक पैनल अगर आप देख रहे होंगे तो काफी बड़ा वेंट है, क्योंकि ओमेन लैपटॉप है 3070 Ti ग्राफिक्स है, तो जब आप इसमें हाई गेमिंग्स करेंगे या एडिटिंग करेंगे तो हीट जनरेट करता है, उसको कूल रखने के लिए HP ने इतना बड़ा वेंट दे रखा है। इसमें दो फैन है, जब हम लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तो आपको दिखाएंगे फैन कहां कहां लगे हुए। काफी अच्छी रबड़ की ग्रिपिंग है, एक तो स्लिप नहीं होता और थोड़ा सा लैपटॉप को टेबल टॉप से थोड़ा सा एयर में रखता है, जिससे आपकी लैपटॉप हीट नहीं होती है, कूलिंग बनी रहती है। तो लैपटॉप को ओपन करते हैं, देखते हैं, एक हाथ से लैपटॉप ओपन हो गया है। अगर मैं वॉबलिंग की बात करूं तो आपने ध्यान दिया होगा इसमें वॉबलिंग भी ना के बराबर ही थी। अगर हम दोबारा एक बार ओपन करते हैं, एक बार हम देखते हैं फिर से ओपन करके, तो वॉबलिंग होती, अगर हम इसको हिलाएंगे तो थोड़ा बहुत देखिए वॉबलिंग करता है, अदरवाइज वॉबलिंग मेरे को इसमें काफी हद तक नहीं मिली है। इसका कवर हटाते हैं, ये देखिए ओमेन है। ओमेन आपको हमेशा AC टाइप से दिखाई देगा, मोस्टली ओमेन विदाउट न्यूमेरिक कीपैड के आते हैं, क्योंकि हमें गेमिंग के लिए स्पेस चाहिए होता है कीबोर्ड पे भी। की ट्रेवलिंग स्पेस इस कीबोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छा, आप टाइपिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फुल साइज बैकलिट 4 जोन RGB कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है माइका सिल्वर कलर के अंदर। तो लैपटॉप को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही क्लासिक लुक आता है ओमेन लैपटॉप्स का। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को बूट अप करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद इसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सिर्फ आपको दो ही पोर्ट दिखाई देंगे, दोनों ही USB सुपर स्पीड आपको दिखाई देंगे, साथ में कूलिंग वेंट आपको दिखाई दे रहा है। लैपटॉप के राइट साइड में देखेंगे अगर आप तो एक USB आपको यहां भी दिखाई देगा थंडरबोल्ट, साथ में आपको दिखाई देगा RJ45 10x100x1000 का एथरनेट पोर्ट आपको यहां पे दिखाई देगा। एक आपको दिखाई दे रहा है 3.5 mm का ऑडियो जैक, जिस पे आप एक्सटर्नल स्पीकर हेडफोन माइक अटैच कर सकते हैं, और साथ में ही SD कार्ड रीडर भी आपको इस लैपटॉप में मिलता है राइट साइड में। इस लैपटॉप में राइट एंड लेफ्ट के अलावा बैक साइड में भी पोर्ट्स हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक पोर्ट दिखाई देगा चार्जिंग के लिए,
चार्ज करने के लिए। साथ में आपको दिखाई देगा HDMI पोर्ट आपके प्रोजेक्टर और LED TVs वगैरह कनेक्ट करने के लिए। साथ में आपको दिखाई देंगे दो टाइप सी पोर्ट जिससे आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 280 वाट का टाइप सी का एडेप्टर है तो आप उस एडेप्टर से इस लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर आपको मिलता है इसमें राइजन 7 6800H। जी हाँ, 6000 सीरीज का प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है जिसकी बेस स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम क्लॉक स्पीड की बात करेंगे तो वो है 4.7 गीगाहर्ट्ज़। कोर्स की हम बात करते हैं तो 8 कोर्स हैं। मैं आपको बता दूं AMD राइजन 7 का जो प्रोसेसर है वो है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। कोर्स 8 है फिजिकल कोर। देखिए आप बड़े कंफ्यूज होंगे, अगर हम i7 को देखते हैं जो 13400 या 13700H प्रोसेसर आपको कंपनीज देती हैं, इंटेल देता है, उसके अंदर 14 कोर का प्रोसेसर है। जी हाँ, यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि राइजन 7 8 कोर का है और i7 14 कोर का है और दोनों में कंपैरिजन होता है। तो दोनों में कंपैरिजन कैसा, अगर हम देखेंगे तो जो i3 i7 13 जनरेशन है उसके अंदर 14 कोर तो होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस कोर सिर्फ 6 आपको मिलते हैं, 8 उसमें एफिशिएंट कोर होते हैं। और अगर हम Ryzen 7 की बात करेंगे तो इसके जो 8 कोर्स हैं लेकिन 8 के 8 परफॉर्मेंस कोर होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंस आता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो 14 कोर का या 8 कोर का है तो हम इसको आपस में कंपेयर कैसे करेंगे। आप इनके परफॉर्मेंस कोर से कंपेयर इजिली कर सकते हैं, 8 के 8 आपको परफॉर्मेंस कोर आपको मिल जाते हैं। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 16 है और L3 कैशे आपको मिलती है 16 MB की। देखिए मेमोरी की बात करेंगे तो 16 GB की इसमें मेमोरी लगी हुई है, रैम है और स्पीड आपको 4800 मेगाहर्ट्ज यानी DDR5 रैम आपको इसमें मिलती है। काफी हमने देखा है, काफी लैपटॉप्स अभी भी DDR4 पे चल रहे हैं लेकिन ये लैपटॉप आपको DDR5 रैम पे मिलता है। दो स्लॉट्स है, दोनों यूज्ड हैं। डिस्क की बात करेंगे तो 1 TB की सैमसंग की आपको इसमें SSD मिल रही है जिसकी कैपेसिटी 954 GB की है। वाईफाई की बात करेंगे तो वाईफाई 6E MT आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आप इसको लैन से कनेक्ट करिए या वाईफाई से करिए, वाईफाई आपका अच्छा होना चाहिए, वाईफाई राउटर, तो इसमें परफॉर्मेंस जो इंटरनेट के बहुत अच्छी आएगी, आपको लैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका राउटर अच्छा है तो। देखिए जो ग्राफिक्स की बात करते हैं, ग्राफिक्स आ गया इसमें, जो मेन ग्राफिक्स है इसमें NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, जी हाँ 8GB DDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको मिलता है। अगर शेड भी आप बात करेंगे तो 7.6 है टोटल आपको 15.6, लेकिन हमें जरूरत होती है डेडिकेटेड की 8GB ग्राफिक्स इस प्राइस रेंज के अंदर, वो भी 3070 Ti, अमेजिंग, किसी भी कंपनी ने अभी लॉन्च नहीं किया है इस प्राइस बैंड के अंदर। जो इसमें प्रोसेसर में इनबिल्ट होता है वो AMD Radeon ग्राफिक्स होता है जिसकी अपनी भी डेडिकेटेड GB होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है, वो है 512 MB का और इसमें शेयर होता है तो 8GB। देखिए इसमें प्रोसेसर के अंदर भी 512 MB का ग्राफिक्स है और आपको NVIDIA RTX 3070 Ti भी ग्राफिक्स मिलता है। तो ग्राफिक्स की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा इस लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी लैपटॉप की और इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हमने इस लैपटॉप के माइक की टेस्टिंग भी कर ली। कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आप वॉइस सुन रहे थे वो वॉइस इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी गई है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो आपको 16.1 इंचेस में QHD IPS डिस्प्ले आपको मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 2560:1440 आपको मिलता है और रिफ्रेश रेट आपको 165 हर्ट्ज का मिलेगा। माइक्रो एज है, एंटी ग्लेयर है, लो ब्लू लाइट ब्राइटनेस आपको, लो ब्लू लाइट आपको मिलता है। ब्राइटनेस की बात करेंगे तो 300 nits 182 PPI और कलर गोमिट की बात करेंगे तो इसमें 100% sRGB आपको मिल रहा है। 3ms का रिस्पॉन्स टाइम, परफेक्ट स्क्रीन ओमेन ने अपने इस लैपटॉप में आपको दी है। HP इसमें आपको वाइड विजन 720p HD कैमरा देता है विद टेंपल नॉइस रिडक्शन एंड इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ। तो चलिए दोस्तों करते हैं लैपटॉप का बैक पैनल ओपन जिसका सभी को इंतजार रहता है। तो दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन हो गया है, चलिए देखते हैं इसके
पार्ट्स। देखिए टी शेप के अंदर आपको इसका मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहां से ही पूरा। यहाँ दो फैन है, दोनों, एक फैन ग्राफिक्स से अटैच है और एक फैन प्रोसेसर के साथ अटैच है। ग्राफिक्स भी इसका 3070 है, तो काफी कूल, काफी हीटिंग करता है जब भी वो वर्क करता है, तो उसके लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा फैन दे रखा है। अगर आप रैम देखेंगे तो यहाँ पे 8-8 GB की दो रैम लगी हुई है, आप इसको निकाल के अपग्रेड कर सकते हैं। 32 GB की दो लगा सकते हैं, 16 GB की दो लगा सकते हैं, आपने जितना भी अपग्रेड करना चाहें 64 GB तक आप इस लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे वाईफाई 6 लगा हुआ है, ये आपकी SSD है, आप SSD अपग्रेड करना चाहें तो इसको रिमूव करके कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्लॉट और HP ने दे रखा है, अगर आप इस हार्ड डिस्क को ऐसे ही रखना चाहते हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क आप और लगा सकते हैं, ये इजीली अपग्रेड हो जाएगा। ये देखिए, ये बैटरी है 6 सेल की बैटरी है जो आपको इसमें मिलती है, और 83 वर्क आवर्स के साथ। यहाँ पे दो स्पीकर्स लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसकी रैम और SSD दोनों ही अपग्रेड कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि रैम अपग्रेड करने के लिए आपको दोनों रैम रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद दोनों ही अपग्रेड हो सकती है। SSD का एक एक्स्ट्रा स्लॉट HP ने इस लैपटॉप में दे रखा है, आप बिना प्रीवियस SSD को निकाले बगैर आप एक नई SSD इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ओमेन HP का ओमेन लैपटॉप अनबॉक्स किया N0345AX। देखिए मैं इस लैपटॉप को देख के बहुत इंप्रेस हूं। देखिए इस लैपटॉप में ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं मिल रही। अगर हम स्पीड की बात करेंगे, राइजन 7 का एच प्रोसेसर, 6800H प्रोसेसर आपको मिल रहा है, DDR5 रैम आपको मिल रही है, 1 TB SSD आपको मिल रही है। अगर हमने इसका ग्राफिक्स देखेंगे तो 3070 Ti आपको ग्राफिक्स मिल रहा है। इसकी स्क्रीन की बात करेंगे तो 165Hz का रिफ्रेश रेट, साथ में QHD LED आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिल रहा है। इस लैपटॉप में कहीं से कोई कमी नहीं रह गई है, HP ने इस लैपटॉप को परफेक्ट दिया है। अगर हम देखेंगे, पहले कभी हमने नोट करते थे कि ग्राफिक्स तो 4050 है लेकिन रैम उसमें DDR4 लगी हुई है, लेकिन इसमें रैम भी आपको DDR5 मिलती है। परफेक्ट लैपटॉप, आपने कुछ भी करना हो, अगर आपने याद रखिएगा, अगर आपने 3D ग्राफिक्स पे काम करना है, आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, ये लैपटॉप परफेक्ट है उसके लिए। कहीं कोई कमी इस लैपटॉप में मेरे को नहीं दिखाई दे रही। एक कैमरे की जरूरत है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर कैमरा मोस्टली 720 ही आता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो HP इसके साथ आपको विंडोज 11 SL देता है लाइफ टाइम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी 2021 आपको मिल जाता है, होम एंड स्टूडेंट एडिशन, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया इसका प्राइस जानने के लिए। देखिए इसका प्राइस है मार्केट में जो आपको इजीली अवेलेबल होगा, 1,25,000 रुपए के अंदर ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इतनी सारी स्पेसिफिकेशन, सारी कहूं या इतनी बढ़िया कहूं, मतलब ये लैपटॉप को अनबॉक्स करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा था। जब मैं लैपटॉप को अनबॉक्स कर रहा था, क्या चीज नहीं है, सब कुछ है। जैसे कि आपने इसमें देखा, आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसमें अपग्रेड करने की ऑप्शन भी कुछ नहीं है, आप क्या अपग्रेड करेंगे, ऑलरेडी अपग्रेडेड लैपटॉप है। 1,25,000 के अंदर इससे बेटर गेमिंग लैपटॉप आपको नहीं मिल सकता। HP इसके साथ वारंटी भी आपको 1 साल की दे रहा है, अपग्रेड करना चाहो अपग्रेड कर सकते हो, 3 साल के लिए करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। जब भी आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो आप वहां पे जरूर पूछिएगा एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। आप एक्सीडेंट डैमेज प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, हमेशा आपने वारंटी एक्सटेंड करनी हो या एक्सीडेंटेड डैमेज प्रोडक्शन लेना हो तो वो हमेशा HP की ही लीजिएगा। जब भी आप HP वर्ल्ड पे जाए तो वहां पे एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी आप वारंटी एक्सटेंड मत कराइएगा, आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आपको वारंटी नहीं मिलती थर्ड पार्टी पे अगर आप कराते हैं तो। ये मैं आपको बता देता हूं, ये लैपटॉप हमें मार्केट में बहुत कम मिला था, लेकिन हमें ये लैपटॉप प्रोवाइड कराया दिल्ली के अंदर करोल बाग में HP ओमेन प्लेग्राउंड है। जी हाँ, हम पहले भी इस ओमेन प्लेग्राउंड पे गए थे जब गेमिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, उन्होंने हमें ये लैपटॉप प्रोवाइड कराया है जो बहुत ही धमाकेदार है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमें वो भी आप जरूर बता दीजिएगा, हम धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो लैपटॉप को परचेज करने से।
पहले। अगर वीडियो आपके अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे, नए नए लैपटॉप्स को अनबॉक्स करते रहेंगे और आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रिंटर्स की भी करें, क्योंकि हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आई थी व्यूअर्स की कि आप प्रिंटर्स के बारे में भी जरूर बताएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं प्रिंटर्स की भी अनबॉक्सिंग या प्रिंटर्स की सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।